Hello students, welcome back to PrepOn. In the last lecture we completed certain revolutionary events right from the killing of Rand and arrest by the Chapekar Bandhu until the INA and INA trials. Usme jitne important highlights thi wo humne cover ki. Aaj modern India ko wind up karte hain aur socio religious reformers and certain other leaders of modern India को कवर करते हैं और मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट करते हैं. इसके बाद हम सीधे मेडिवल इंडिया पर चले जाएंगे. चलिए इसको लास्ट टॉपिक ऑफ मॉडर्न इंडिया को कवर करते हैं. सो सर्टेन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स रिलीजन रिफॉर्म होगा तो समाज भी रिफॉर्म हो जाएगा. हैंस सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स. धर्म चेंज होगा तो सामाजिक कुरीतियाँ भी बदल जाएंगी, सामाजिक विचारधारा भी बदल जाएगी. ऐसा कुछ भारत में होने लगा है 19th सेंचुरी में, जब हुए थे राजा राम मोहन रॉय. इसलिए जब राम मोहन रॉय हुए तो उनके पीरियड को कह देते हैं द पीरियड ऑफ एज ऑफ रीज़न और द पीरियड ऑफ इंडियन रेनेशां, भारतीय पुनर्जागरण का समय. जैसे 14th-15th सेंचुरी में इटली में पुनर्जागरण हुआ था, विचारों में तब्दीली आई थी, चेंजेस आए थे, सेंस ऑफ इंक्वायरी बढ़ी थी, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की प्रतिभा बढ़ी थी. ऐसा ही कुछ भारत में होने लगा है 19th सेंचुरी में. तो इसको बोलते हैं एज ऑफ रीज़न और द पीरियड ऑफ इंडियन रेनेशां. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हुए जिनसे बहुत बड़ा बदलाव आया भारत में. उनमें पहले थे राजा राम मोहन रॉय. इन टॉपिक से कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. राम मोहन रॉय यूज्ड टू वर्क इन ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में. ही वॉज वर्किंग इन अ क्लैरिकल पोजिशन. उसमें काम करते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में, लेकिन जॉब छोड़ देते हैं और 1815 में फाउंडेड आत्मीय सभा उन्होंने शुरू की है. 1815 में आत्मीय सभा, विच लेटर ऑन बिकेम ब्रह्मो सभा और ऑल्सो कॉल्ड ब्रह्मो समाज. कलकत्ता में शुरू कर देते हैं वो, आगे चल के आत्मीय सभा का ही नाम हो जाता है ब्रह्मो सभा और ब्रह्मो समाज शुरू कर देते हैं. विद द पर्पज ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ हिंदुइज्म एंड प्रोपेगेशन ऑफ डिवाइन मोनोथीज्म. हिंदू धर्म में कुछ प्योरिफिकेशन हो, कुरीतियाँ जाए बाहर और एक ईश्वरवाद का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए, फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ डिवाइन मोनोथीज्म, हैव फेथ इन वन गॉड. इस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए वो शुरू कर देते हैं ब्रह्मो समाज कलकत्ता में 1828 में. राम मोहन रॉय वॉज वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल इन द पैसेज ऑफ सती एबॉलिशन एक्ट. आपको याद होगा इन द टाइम ऑफ बेंटिक द सती एबॉलिशन एक्ट वॉज पास्ड बाई बेंटिक एट द इंस्टेंस ऑफ राम मोहन रॉय. राम मोहन रॉय ने ही इसकी एडवोकेसी की थी. तो पास हुआ था सती एबॉलिशन एक्ट इन द टाइम ऑफ बेंटिक. राम मोहन रॉय रोट सर्टेन बुक्स तोहफात उल मुवाहिदीन
गिफ्ट टू मोनोथीस्ट्स, जो एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते हैं उनके लिए मेरी तरफ से तोहफा, मतलब तोहफात उल मुवाहिदीन, अपनी फिलॉसफी को आगे ले जाने के लिए किताब लिखते हैं तोहफात उल मुवाहिदीन एंड आल्सो रोट द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस क्रिश्चियनिटी के बारे में, क्रिश्चियनिटी में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो क्या सुपरस्टिशंस हैं उनको हटाते हुए जो उसकी इंपॉर्टेंट टीचिंग्स हैं उसका एक एनालिसिस है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, तोहफातुल मुवाहिदीन और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये फारसी भाषा में है, इंग्लिश में लिखी है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ही वॉज पायनियर इन जर्नलिज्म भारतीय पत्रकारिता में एक पायनियर थे, अग्रणी थे। उन्होंने ये सिखाया कैसे समाचार पत्रों के माध्यम से बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। तो कई सारे अखबार निकालते हैं, उनका सबसे इम्पोर्टेंट अखबार है मिरातुल अखबार, फारसी भाषा में निकालते हैं अपना मिरातुल अखबार, और एक पत्रिका भी निकालते हैं संवाद कौमुदी, बांग्ला भाषा में एक पत्रिका निकालते हैं संवाद कौमुदी। राममोहन रॉय सोशल रिफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं और वो कहते हैं कास्ट सिस्टम के जो डिस्टिंक्शंस हैं या चाइल्ड मैरिजेज हैं या विडोज़ की कंडीशंस हैं या सती वगैरह हैं, इनके लिए वो काम करते हैं, जितनी सोशल इविल्स हैं उनके खिलाफ प्रचार करते हैं, ये उनका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। 1833 में ही हैड गॉन टू इंग्लैंड, चले गए हैं अपने लाइफ के लेटर फेज में, इंग्लैंड चले जाते हैं और 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टॉल में उनकी डेथ हो जाती है। 1833 इंग्लैंड के ब्रिस्टॉल में उनकी डेथ हो जाती है। राम मोहन रॉय हैज़ बीन कॉल्ड एज द फादर ऑफ, यू कैन से रादर ही हैज़ बीन कॉल्ड एज फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया एंड उनको राजा का टाइटल दिया था मुगल एम्परर अकबर टू ने, बहादुर शाह जफर से पहले जो मुगल एम्परर थे अकबर टू, ही गेव हिम द टाइटल ऑफ राजा, हेंस ही बिकेम राजा राम मोहन रॉय। 1833 में ब्रिस्टॉल में उनकी डेथ हो जाती है। राम मोहन रॉय वो द फर्स्ट वन हु फॉट अगेंस्ट सोशल इविल्स, वही कहते थे कि जितनी सोशल रीति रिवाज हैं इनका सैंक्शन धार्मिक किताबों से मिलता है, धर्म से मिलता है, तो अगर सामाजिक बदलाव करना है तो पहले धर्म को सही समझना होगा, रैशनल तरीके से समझना होगा, लॉजिकल तरीके से समझना होगा, इसलिए ही हैज़ बीन कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने एजुकेशन में भी काम किया है एंड एम्फेसाइज्ड मॉडर्न एजुकेशन। 1817 में उनकी मदद से एक डेविड हेयर नाम के व्यक्ति ने शुरू किया था हिंदू कॉलेज, कलकत्ता का हिंदू कॉलेज। 1817 में राम मोहन रॉय की मदद से डेविड हेयर ने, नॉट राम मोहन रॉय, डेविड हेयर स्टार्टेड हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता फॉर मॉडर्न एजुकेशन। वो समर्थक थे मॉडर्न एजुकेशन के। वेदांत कॉलेज भी खुद शुरू कर देते हैं राम मोहन रॉय। ही ट्रांसलेटेड उपनिषद्स इनटू इंग्लिश, उन्होंने उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ही ट्रांसलेटेड उपनिषद्स इनटू इंग्लिश।
सेकंड वाज दयानंद सरस्वती हु फाउंडेड आर समाज इन 1875 फ्रॉम बॉम्बे। आर समाज 1875 में बम्बई से शुरू हुआ है, लेकिन आर समाज का सेंटर आगे चल के बन जाएगा पंजाब, चलेगा लाहौर से, लेकिन ये शुरू हुआ था 1875 में बॉम्बे से। दयानंद सरस्वती गुजरात के रहने वाले थे, उनका नाम मूल शंकर था। तो ही बिकेम एन एसेटिक एंड स्टार्टेड मूविंग हेयर एंड देयर एंड वेंट टू मथुरा, एंड मथुरा में स्वामी व्रजानंद से वो शिक्षा लेते हैं और फाइनली फिर वो आर समाज भी बना देते हैं। ही फॉट अगेंस्ट वेरियस सोशल इविल्स लाइक पॉलीगेमी, चाइल्ड मैरिजेस, मतलब ये समझ लीजिए उस समय के जितनी कुप्रथाएं होती थी उनके खिलाफ काम करते थे। चाइल्ड मैरिजेस हैं, पॉलीगेमी है, बहु विवाह प्रथा है, प्रीस्टली डोमिनेशन ऑफ रिलीजन है, पुरोहितों का धर्म पर सर्वाधिकार। वो कहते हैं पुरोहित इज नोबडी टू इंटरवीन बिटवीन मी एंड माय गॉड। पुरोहितों ने धर्म को सबवर्ट किया है, उसका गलत मीनिंग बताया है। ही वॉज अगेंस्ट दिस, वन कैन हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हिज गॉड, पुरोहित्स आर नॉट रिक्वायर्ड। चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट उन्होंने काम किया है, कहते थे हिंदूज आर इंडियंस आर रादर यू कैन से इंडियंस आर चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के बच्चे हैं, बिकॉज चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज़्यादा उस समय हुआ करती थी। इंडियंस आर चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के बच्चे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने काफ़ी काम किया है। ही ऑल्सो एम्फेसाइज्ड मॉडर्न एजुकेशन बट विद एम्फेसिस ऑन इंडियन कल्चर। उन्होंने भी राम मोहन रॉय की तरीके से शिक्षा पे तो बल दिया है, लेकिन उनका कंसेप्ट ये है कि मॉडर्न एजुकेशन भारतीयों के लिए ज़रूरी है, लेकिन इंडियन कल्चर के कॉस्ट पे नहीं। इंडियन कल्चर और पश्चिमी शिक्षा के का हारमनी लाते हुए हम ये सिस्टम शुरू कर सकते हैं। ही यूज टू से गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर जाओ। ही यूज टू से द वेदास आर द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल नॉलेज, सारे ज्ञान का स्रोत वेद हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्मकांडीय धर्म की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं वेदों में बहुत सारा ज्ञान है, कर्मकांडीय धर्म तो उसका एक अलग एंगल है। हेंस ही वॉज emphasizing the good meaning of the Vedas. He used to say, go back to Vedas. He also said, भारत सिर्फ भारतीयों के लिए। जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, कांग्रेस बनने वाली थी, तब वो हुआ करते थे, 1883 के आसपास उनकी डेथ हुई है, लेकिन पॉलिटिकली एक्टिव कभी नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो कहते थे भारत सिर्फ भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस। ही यूज टू से गो बैक टू वेदास। लिखते हैं बुक सत्यार्थ प्रकाश, किताब लिखी है उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश। ही रोट अ बुक सत्यार्थ प्रकाश, उनकी किताब है जिसमें अपनी विचारधारा बताने की कोशिश करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश, ऑल्सो कॉल्ड मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। जैसे मार्टिन लूथर हुए थे वेस्टर्न वर्ल्ड में एक समाज सुधारक, ऐसे ही ये भी हुए हैं मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। जैसे वहाँ पर रिफॉर्मेशन हुआ था यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, ऐसे ही हुए हैं मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, इनको बोला गया है।
ही हैज़ बीन कॉल्ड एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया. ही यूजली ये क्वेश्चन आ जाता है, दयानंद सरस्वती हैज़ बीन कॉल्ड एज लूथर ऑफ इंडिया और मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया. 1883 में इनकी डेथ हो जाती है. इनकी डेथ के बाद एजुकेशन में डिवीज़न हो जाता है. एक मॉडर्न एजुकेशन के लिए श्रृंखला बन जाती है डीएवी स्कूल्स एंड कॉलेजेस. ये दयानंद के एक पहलू को आगे ले जाते हैं. ये कहते हैं कि होनी चाहिए मॉडर्न एजुकेशन. लाला हंसराज एंड लाला लाजपत राय ये शुरू कर देते हैं मिलकर दयानंद एंग्लो वैदिक, मतलब पश्चिमी शिक्षा और इंडियन सिस्टम का एक हार्मनी. तो लाला हंसराज वॉज मोर एक्टिव, लाला लाजपत राय वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस. इन्होंने शुरू किए हैं डीएवी स्कूल्स एंड कॉलेजेस और पहला बना है 1885 के आसपास लाहौर में. द फर्स्ट डीएवी कॉलेज वॉज फाउंडेड बाई 1885 एज ए पार्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ आर्य समाज. लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी है जो इंडियन एजुकेशन के बेस पे काम करता है, तो उन्होंने शुरू किया है इंडियन एजुकेशन का सिस्टम गुरुकुल कांगड़ी एट हरिद्वार. स्वामी श्रद्धानंद दयानंद के एक शिष्य हैं स्वामी श्रद्धानंद. उन्होंने टिपिकल गुरुकुल पद्धति पे इंडियन एजुकेशन शुरू की है, जिसे आजकल गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहते हैं. ये भी आर्य समाज का एक ऑफशूट था. स्वामी श्रद्धानंद ने स्टार्ट किया 1902 में गुरुकुल कांगड़ी. तो एजुकेशन पर आगे चल के काम आर्य समाज ने ज़्यादा किया. तो दिस वॉज दयानंद सरस्वती, अनदर सोशल रिफॉर्मर इन इंडिया, फॉट अगेंस्ट सोशल ईविल. ऐसे ही हुए स्वामी विवेकानंद. नरेंद्र नाथ दत्त उनका नाम है. डिसाइपल थे राम कृष्ण परमहंस के. ही वॉज डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस. वो कौन थे? वो थे प्रीस्ट, पुरोहित थे. किसके? काली टेम्पल एट दक्षिणेश्वर. दक्षिणेश्वर के काली टेम्पल के पुरोहित हैं रामकृष्ण परमहंस. उनके डिसाइपल बनते हैं नरेंद्रनाथ दत्त और स्वामी विवेकानंद. इनके गुरु कहते थे मानव सेवा इज लाइक माधव सेवा. सर्विस टू मैन इज लाइक सर्विस टू गॉड. नर सेवा नारायण सेवा, ये उनके गुरु इसमें विश्वास किया करते थे. सर्विस टू मैन इज लाइक सर्विस टू गॉड. इसलिए इन्होंने इस विचार को आगे रखते हुए स्टार्टेड रामकृष्ण मिशन 1897 में शुरू कर देते हैं बेलूर मठ कलकत्ता के पास. आरके मिशन एक मूवमेंट शुरू करते हैं. आरके मिशन वॉज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स, स्वयं सेवक हैं जो अंडरटेक करते हैं ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स, मानवता की सेवा के लिए जो जो हो जाए, चाहे वो फेमिन रिलीफ हो या ऑर्फेनेजेस हो, अनाथालय हो या फ्री एजुकेशन हो,
या फ्री हॉस्पिटल्स हों, जिस तरीके से भी मानवता की सेवा हो जाए उसके लिए काम करते हैं ये स्वयं सेवक, जिसे कहते थे आरके मिशन। आरके मठ उन्होंने बनाया है, रामकृष्ण मठ बनाया है, वहीं से शुरू कर देते हैं आरके मिशन, ताकि मानवता की सेवा जैसे भी हो सके हो जाए। उससे पहले 1893 में ही रिप्रेजेंटेड हिंदुइज्म एंड अटेंडेड वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट शिकागो। अमेरिका में शिकागो में वो हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स 1893 में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट शिकागो। ही वॉज द वन हु टुक हिंदुइज्म टू द वेस्ट। जैसे बुद्धिज्म ईस्ट में गया, ऐसे ही पश्चिमी दिशा में हिंदुइज्म को ले जाने वाले थे स्वामी विवेकानंद। एंड दिस इज द ट्रू पिक्चर ऑफ हिंदुइज्म एज ही प्रेजेंटेड बिफोर द वर्ल्ड। अब तक अंग्रेजों की किताबों से, ट्रांसलेशन से हिंदुइज्म के बारे में पता है, सही पिक्चर जो रैशनैलिटी है, जो उपनिषद्स हैं, ये उनका सही स्वरूप है, उसे पेश करने वाले सही मायनों में हुआ करते थे स्वामी विवेकानंद 1893 में। इनकी डिसाइपल थी एक फॉरनर मार्गरेट नोबेल, जिनको नाम मिला था सिस्टर निवेदिता। शी वॉज हिज डिसाइपल, इनकी शिष्या थी। रियल नाम था मार्गरेट नोबेल। शी यूज टू वर्क इन रामकृष्ण मिशन। सिस्टर निवेदिता उनको बोला गया। विवेकानंद यूज टू से कि जिसका पेट खाली है उसे धर्म कैसे बताया जा सकता है। पॉवर्टी और हंगर के प्रति बड़े सेंसिटिव हुआ करते थे वो। हिंदुइज्म की अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी बहुत बोलते थे। आई डू नॉट लाइक द टच मी नॉट एटीट्यूड ऑफ हिंदूज। द रिलीजन ऑफ हिंदूज लिव्स इन द किचन, लाइज इन द किचन। टच मी नॉट एटीट्यूड मतलब अनटचेबिलिटी। गांधी जी ने बहुत काम किया उससे पहले। विवेकानंद यूज टू वर्क अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। पॉवर्टी एंड हंगर के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये भूख और गरीबी ख़त्म होनी चाहिए। वो कहते हैं कि पश्चिम का भौतिकवाद और पूरब का अध्यात्म यदि मिल जाए तो इस दुनिया की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं। ए प्रॉपर एमलगेमेशन ऑफ द मटेरियलिज्म ऑफ द वेस्ट एंड द स्पिरिचुअलिज्म ऑफ द ईस्ट कैन रिड द वर्ल्ड ऑफ ऑल इट्स प्रॉब्लम्स। जितनी भी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड की हैं ये ख़त्म हो जाएंगी यदि पश्चिम की जो भौतिक डेवलपमेंट्स हैं, मटेरियलिज्म है उसका फ़ायदा, और पूरब का ओरिएंटलिज्म का जो बहुत अध्यात्म है, इनका संगम हो जाए तो दुनिया की सारी समस्याओं ख़त्म हो जाती हैं। अर्ली एज में 1902 में इनकी डेथ हो जाती है। ये भी पॉलिटिकली बहुत काम नहीं कर पाए, लेकिन ये कहा जाता है इवन दो ही डिड नॉट वर्क पॉलिटिकली डायरेक्टली बट हिज थॉट्स, हिज सेइंग्स बिकेम द, यू कैन से द मोटिवेशनल बेसिस ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। बंकिम चंद्र, वंदे मातरम, दयानंद एंड विवेकानंद, दे बिकेम द, दे प्रोवाइडेड द मोटिवेशनल बेसिस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इवन दो सीधे सीधे पार्टिसिपेट नहीं किया इन्होंने, तो ही हैज़ बीन कॉल्ड लाइक दिस। सुभाष बोस ने बोला है विवेकानंद के लिए, ही कैन बी कॉल्ड द स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सुभाष बोस ने इनके लिए बोला है विवेकानंद के लिए, ही कैन बी कॉल्ड द स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता थे विवेकानंद। ऐसा इनके बारे में बोला सुभाष बोस ने। ही कैन राइटली बी कॉल्ड द स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इवन दो ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। जब ये वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुआ था तो यहाँ पर अमेरिका की थियोसोफिकल सोसाइटी भी आई है। इस वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अमेरिका की एक थियोसोफिकल सोसाइटी भी आई है। तो एक और संस्था थी थियोसोफिकल सोसाइटी,
founded not in India by an American person, Colonel Olcott, and a Russian lady, Madam Blavatsky, not in India but in New York in 1875. Theo माने religion, Sophie माने philosophy. Theosophical Society founded by an American person, Colonel Olcott, और एक रशियन महिला हैं मैडम ब्लावात्स्की, न्यूयॉर्क में बना देते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी फॉर स्टडिंग ओरिएंटल रिलीजन्स, पूर्व के धर्म और उनकी फिलॉसफीज समझनी चाहिए और कैसे उनकी एप्लीकेशन से मानवता का भला हो सकता है. ओरिएंटल माने होता है ईस्ट, पूर्व के धर्मों को पढ़ा जाए, समझा जाए और कैसे उनकी फिलॉसफी से फ़ायदा हो सकता है, इसके लिए बनी है थियोसोफिकल सोसाइटी. 1879 में ये इंडिया आ गए हैं और अडयार से काम करने लगे हैं. अडयार आश्रम, अडयार मद्रास के पास, अडयार आश्रम बिकेम देयर इंटरनेशनल हेडक्वार्टर. अब यहीं से चला करेगी थियोसोफिकल सोसाइटी, अब न्यूयॉर्क इनका हेडक्वार्टर्स नहीं है. तब अडयार मद्रास से काम करने लगे हैं. एनी बेसेंट ने इसको ज्वाइन किया है और इस पर वो काम करने लगी हैं. एनी बेसेंट इन 1907 शी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी. 1907 में वो अध्यक्ष बनी हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की, अध्यक्ष बन गई हैं एनी बेसेंट. अभी वो पॉलिटिक्स में इतनी एक्टिव नहीं है. शी वॉज एन आयरिश वोमेन, शी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ एनी बेसेंट. एनी बेसेंट ऑफ शी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी. इट वॉज फाउंडेड नॉट बाई एनी बेसेंट बट बाई दीज पीपल. भारत में फिर इसे ज्वाइन कर लेंगी और फिर वो एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष भी बन जाएंगी. शी ऑल्सो हैड फाउंडेड इन 1898 सेंट्रल हिंदू स्कूल. उन्होंने बनारस में बनाया है, काफ़ी पहले वो बना चुकी हैं. अध्यक्ष तो बहुत बाद में बनी है जब इनकी डेथ हो जाएगी. 1898 में उन्होंने शिक्षा के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल बनाया है बनारस में. आगे चलकर यहीं पर मदन मोहन मालवीय शुरू कर देंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बाई मदन मोहन मालवीय. 1916 में जेम्स फोर्ड के समय शुरू हुई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाई मदन मोहन मालवीय. इस यूनिवर्सिटी का जो शुरुआत कह सकते हैं वो सेंट्रल हिंदू स्कूल ऑफ एनी बेसेंट जो 1898 में शुरू कर दिया था इन्होंने. आगे चलकर इसी का बड़ा रूप देखेंगे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बाई मदन मोहन मालवीय जेम्स फोर्ड के समय ये बन जाती है BHU. एनी बेसेंट एज यू नो उन्होंने होम रूल मूवमेंट शुरू किया है, सक्सेसफुल हुई हैं कुछ हद तक. 1917 में अध्यक्ष भी बनी हैं. फिर वो कांग्रेस छोड़ देंगी 1920-21 में और 1933 में उनकी डेथ हो जाएगी. शी ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो एक संस्था थियोसोफिकल सोसाइटी भी हुआ करती थी. ये कुछ इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर्स हैं, बहुत सारे हैं, सब कवर नहीं हो सकते, आपके एग्ज़ाम में इतने आएंगे आएंगे भी नहीं. सो दिस इज़ सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स. नाउ सर्टेन अदर लीडर्स विच वर इम्पॉर्टेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल. अदर लीडर्स उनमें एक थे दादा भाई नौरोजी. कुछ कुछ पॉइंट इनके बारे में बता दूं, इन लोगों के बारे में यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो कम्प्लीटनेस हो जाएगी आपकी तैयारी की. दादा भाई नौरोजी एज यू नो मैंने आपको बताया था इंग्लैंड में काम करते थे भारतीय कॉज के लिए और उन्होंने बनाई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन. याद होगा जब मैंने कांग्रेस से पहले वाली संस्थाएँ बताई थी, लंदन में बनाई थी उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने. भारत में एडल्ट एजुकेशन पे उन्होंने काम किया है
और बम्बई में शुरू करते हैं ज्ञान प्रसारक मंडली। बम्बई में उन्होंने शुरू किया है 1850s में ज्ञान प्रसारक मंडली, एडल्ट एजुकेशन के लिए शुरू कर देते हैं ज्ञान प्रसारक मंडली फॉर एडल्ट एजुकेशन। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात की है और बुक लिख देते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी किताब में वो अपनी ड्रेन थ्योरी के बारे में बताते हैं कि कैसे प्लासी से लेकर 1901 तक, जब ये किताब लिखी गई है, इतना पैसा इस रूप में भारत से बाहर जाता रहा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया उनकी इम्पॉर्टेंट किताब हुआ करती है, जिसमें वो ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करते हैं। वो एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं और अपने सोशल रिफॉर्म्स के लिए एक पत्रिका निकालते हैं रश्त गोफ्तार, ट्रुथ टेलर, सच्चाई बताने वाला रश्त गोफ्तार। ही वॉज अ पारसी सोशल रिफॉर्मर, वो एक पारसी सोशल रिफॉर्मर भी हैं और एक पत्रिका भी निकालते हैं रश्त गोफ्तार, ट्रुथ टेलर। जैसे एक यहाँ नोट ये कर ली, जैसे एक किताब है ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में, कुछ इन्हीं दिनों एक किताब और लिखी गई है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय रोमेश चंद्र दत्त। ये किताब यहाँ इसलिए लिखवाई है कि दोनों ड्रेन थ्योरी से संबंधित हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय आरसी दत्त और पॉवर्टी, दोनों एक ही लगभग एक समय की किताब हैं और दोनों ही ड्रेन थ्योरी से संबंधित है। ये दादा भाई की नहीं है, ये आरसी दत्त की है, रोमेश चंद्र दत्त। ये भी कुछ इसी दिशा में काम करती है। तो दादा भाई नौरोजी, आपको याद है 1906 का कलकत्ता सेशन हुआ था, उसमें ये अध्यक्ष बने हैं। वैसे कांग्रेस के दूसरे सेशन के अध्यक्ष भी थे कलकत्ता सेशन के 1886 में, और इन्होंने ही कलकत्ता सेशन से स्वराज मांगा था। पहली बार स्वराज की फॉर्मल डिमांड कलकत्ता सेशन से दादा भाई नौरोजी ने की थी। ही वॉज ऑल्सो फर्स्ट टू कैलकुलेट, यू कैन से, द पर कैपिटा इनकम, भारत की पर कैपिटा इनकम भी इन्होंने 1868 में कैलकुलेट की थी। इनको बोला गया है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ही हैज बीन कॉल्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको बोला गया है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी बाल गंगाधर तिलक, तिलक के बारे में वी नो अ लॉट। मैंने आपको बताया कि 1897 में इनको सेडिशन के केस में जेल हो गई थी, जब वो चापेकर बंधुओं ने रैंड को मारा है। 1890s में ये बहुत एक्टिव हुए एंड ऑर्गेनाइज्ड गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स इन महाराष्ट्र। ये वहाँ पर शिवाजी और गणपति फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते थे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बने। गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल्स 1890s से इनकी एक्टिव शुरुआत होती है, जब ये महाराष्ट्र में लोगों को आगे बढ़ मोटिवेट करते हैं। तो गणपति फेस्टिवल्स एंड शिवाजी फेस्टिवल ही यूज टू ऑर्गेनाइज। ही रोट सर्टेन बुक्स, गीता रहस्य, इन्होंने किताब लिखी है गीता रहस्य एंड आर्किटेक्ट होम
ऑफ द वेदास। गीता की कमेंट्री लिखी है, गीता रहस्य, और आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, आर्यों का उद्गम आर्कटिक से हुआ, ये इनकी थ्योरी है। वेदिया मतलब आर्य कहाँ से आए, आर्कटिक से आए ऐसा ये कहते हैं। तो इनका किताब का नाम है आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य तिब्बत से आए। और जर्मन स्टडी ने कहा आर स्टार्टेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो सबसे अंडरस्टूड थ्योरी मानी जाती है। सो ही रोट बुक गीता रहस्य एंड आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। और मैंने आपको बताया था इनके न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे केसरी एंड मराठा नाम के दो अखबार हुआ करते हैं, केसरी एंड मराठा। केसरी मराठी में, मराठा इंग्लिश में, मराठा इंग्लिश में है, केसरी मराठी में है, दो अखबार निकाला करते हैं। ही हैज़ बीन कॉल्ड एज आई टोल्ड यू इन होम रूल मूवमेंट द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। वैलेंटाइन शिरोल ने, है ना, या बताया था आपको, वैलेंटाइन शिरोल ने इनको बोला है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए, कुछ ऐसा रहा कि कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। तो वो तो हमने सब उसमें पढ़ाई है, कुछ चीज़ें ये और भी इनके बारे में हैं। तो ही हैज़ बीन कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ऐसा कहा इनके बारे में वैलेंटाइन शिरोल ने। जिससे मुकदमा लड़ने चले गए थे, ये किताब का नाम है, किताब का नाम था इंडियन अनरेस्ट। इसमें बोला है भारत में हर प्रॉब्लम की जड़ तिलक हैं। 1920 अगस्त में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होने वाला है तभी इनकी डेथ हो जाती है। ही डाइड व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अबाउट टू स्टार्ट। दिस वाज सम एडिशनल फैक्ट्स अबाउट तिलक। काफ़ी कुछ तो हमको पता है फ्रीडम स्ट्रगल के माध्यम से। ऐसे ही लाला लाजपत राय हैं, वी नो ही वॉज एक्टिव इन आर्य समाज, लेकिन काफ़ी समय भारत से बाहर रहे थे और चलाते हैं इंडियन होम रूल लीग यूएसए में। काफ़ी समय जब स्वदेशी मूवमेंट दबा दिया गया था तो ये भारत के बाहर चले गए थे। अमेरिका में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था इंडियन होम रूल लीग 1916 के आसपास। अमेरिका से चलाते हैं इंडियन होम रूल लीग, भारत आ गए हैं 1920 में, भारत वापस आई गए थे। उन्हीं दिनों ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये ट्रेड यूनियन बॉडी बनी है, उसके पहले अध्यक्ष बॉम्बे में मीटिंग हुई है, उसके आईटुक ट्रेड यूनियन वर्कर्स की एक यूनियन बनी है, उसके पहले अध्यक्ष लाजपत राय हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1920 में सेशन हुआ है बम्बई में, उसमें उसके ये अध्यक्ष बने हैं। रोट अ बुक अनहैप्पी इंडिया, लिखते हैं किताब अनहैप्पी इंडिया, इनकी किताब का नाम है, ऑल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ पंजाब। डाइड ड्यूरिंग एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन, डाइड ड्यूरिंग एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन में इनकी डेथ हो जाती है। पंजाबी नाम का अखबार भी निकालते हैं ये, वंदे मातरम पत्रिका भी निकालते हैं। ही वॉज लाजपत राय, लाला लाजपत राय एक्टिव इन आर्य समाज मूवमेंट। ऐसे ही हुए एक अरविंद घोष, हु वॉज एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर वंदे मातरम। वंदे मातरम एक न्यूज़पेपर है, उसके एडिटर हैं ये, और इस न्यूज़पेपर को शुरू करने वाले थे
बिपिन चंद्र पाल। न्यूज़पेपर शुरू तो किया था बिपिन चंद्र पाल ने, लेकिन उसके एडिटर थे अरविंद घोष, औरोबिंदो घोष ही ट्रांसलेटेड द सॉन्ग वंदे मातरम इनटू इंग्लिश। इन्होंने वंदे मातरम सॉन्ग को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। ही ट्रांसलेटेड द सॉन्ग वंदे मातरम इनटू इंग्लिश। जैसे वंदे मातरम अरविंद घोष एडिटर हैं, ऐसी एक वंदे मातरम पेरिस से भी निकलता था, उसे निकालती थी मैडम भीकाजी कामा, एक इंडियन पारसी लेडी। शी यूज टू रन अ वंदे मातरम फ्रॉम पेरिस। ये पेरिस से एक और वंदे मातरम निकालती थी, जिन्होंने फ्रांस में फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था। इंडियन लेडी मैडम भीकाजी कामा ऑल्सो यूज टू ब्रिंग आउट अ वंदे मातरम फ्रॉम पेरिस एंड शी ऑल्सो डिजाइंड अ ट्राई कलर। पहला तिरंगा एक तरीके से इन्होंने ही डिज़ाइन किया था 1907 में जर्मनी में जितनी अंग्रेज़ों की कॉलोनीज़ हैं, जहां पर अंग्रेज़ों का रूल है, उसके नॉमिनीज़ इकट्ठे हुए थे स्टटगार्ट शहर में। उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं मैडम भीकाजी कामा। वहां इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक तिरंगा डिज़ाइन किया था जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में। एक मीटिंग हुई है डेलीगेट्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज, तो वहाँ पर एक तिरंगा उन्होंने डिज़ाइन किया है 1907 में स्टटगार्ट कांग्रेस जो वहाँ पर हुई है, वहाँ पर एक तिरंगा उन्होंने डिज़ाइन किया था। तो शी ऑल्सो यूज टू ब्रिंग आउट दिस वंदे मातरम तिरंगा। आगे चलकर कांग्रेस ने अपना झंडा डिज़ाइन करवाया, जो भारत का फ्लैग बन गया, इसको डिज़ाइन किया था पिंगल वेंकैया ने। तो जो हमारा इस समय का तिरंगा है, उसको डिज़ाइन किया था पिंगल वेंकैया ने। ये बेसिकली कांग्रेस का फ्लैग था, तो ये भी ट्राई कलर था, ओब्वियसली ये भी ट्राई कलर था। तो झंडा इवॉल्व होता आया, फाइनली इट वॉज पिंगल वेंकैया हु डिज़ाइन द फ्लैग ऑफ कांग्रेस, जिसमें पहले चरखा हुआ करता था स्पिनिंग व्हील, बाद में उसमें अशोक चक्र आ गया। तो पिंगल वेंकैया फाइनली डिजाइंड दिस प्रेजेंट डे तिरंगा। तो भीकाजी कामा यहीं से एसोसिएट कर दिया एक और फैक्ट मैंने। तो अरविंद घोष भी हुआ करते हैं, इनके बारे में बताया था मैंने आपको कि फिर ये पौंडीचेरी चले गए थे और पौंडीचेरी में इन्होंने एक वहाँ पर अपना आश्रम शुरू कर दिया था। 1952 में इनकी डेथ हो जाती है, 1952 में इनकी डेथ हो जाती है अरविंद घोष। इन्होंने वंदे मातरम सॉन्ग को इंग्लिश में कंपोज ट्रांसलेट किया है। गांधी जी रिमेंड इन साउथ अफ्रीका, लगभग 21 साल साउथ अफ्रीका में उन्होंने काम किया है और यहीं पर उन्होंने डेवलप किया था अपना टेक्निक ऑफ सत्याग्रह बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। सत्याग्रह उन्होंने भारत में अप्लाई किया, लेकिन वो शुरू हुआ था साउथ अफ्रीका में। भारतीयों की स्ट्रगल लड़ते हुए उन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह स्टार्ट किया। गांधी जी सत्याग्रह वॉज बेस्ड ऑन द ट्विन प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। वहाँ पर इन्होंने ये शुरू किया था। वहीं पर एक न्यूज़पेपर निकालते हैं साउथ अफ्रीका में, इंडियन ओपिनियन, भारतीयों की बात आगे रखने के लिए अखबार शुरू करते हैं इंडियन ओपिनियन। इन 1909 ही रोट हिंद स्वराज। इन्होंने एक अपना एक राइटअप लिखा है, छोटी सी किताब हिंद स्वराज, जिसमें ये बात करते हैं अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीनों के एक निगेटिव डायमेंशन बताते हैं ये इसमें। हिंद स्वराज 1909 में किताब लिखी है उन्होंने, हिंद स्वराज 1909 में। वहाँ पर गांधी जी ने तीन किताबों से प्रेरणा ली है
ये किताब एग्ज़ाम में आ जाती हैं, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू बाय लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय से की एक किताब है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये एक किताब है जिससे वो प्रेरित हुए थे। दूसरी किताब थी सिविल डिसओबीडियंस बाय थोरू, सिविल डिसओबीडियंस बाय थोरू एक किताब है, किताब का नाम है एंड अनटू दिस लास्ट बाय जॉन रस्किन, अनटू दिस लास्ट बाय जॉन रस्किन। बिसाइड्स जर्नल लिटरेचर वगैरह उससे भी हुए हैं, बट ये तीन किताबें एग्जाम में अक्सर आ जाती हैं, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू बाय लियो टॉलस्टॉय, सिविल डिसोबीडियंस बाय थोरू एंड अनटू दिस लास्ट बाय जॉन रस्किन। ये तीन किताबें उनको बहुत प्रेरणा देती हैं। बताया गया दो ट्रेन जर्नी थी जिन्होंने उनकी लाइफ बदल दी थी। एक में ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। दूसरी में उनको एक उनके फ्रेंड ने इस किताब के बारे में बताया था, अनटू दिस लास्ट। ये दो ट्रेन जर्नीज ब्रॉट लॉट ऑफ चेंज इन द लाइफ ऑफ गांधी। उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल गांधी जी खुद बताते हैं अनटू दिस लास्ट के बारे में। तो ये तीन किताबें बड़ा रोल प्ले करती हैं। साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए हैं 1915 में, बताया था आपको जनवरी 9, 1915 में यहाँ पर आते हैं, चंपारण खेड़ा अहमदाबाद वगैरह में काम करते हैं, रॉलेट सत्याग्रह शुरू करते हैं। यहीं पर उन्होंने अखबार शुरू किया है यंग इंडिया शुरू कर देते हैं, और 1933 में आपको बताया था मैंने उन्होंने अपनी पत्रिका हरिजन शुरू की है। हरिजन उन्होंने ही डिप्रेस क्लासेस को नाम दिया था हरिजन, याद होगा अंबेडकर के साथ साइन हुआ था पूना पैक्ट, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर के साथ हरिजन के लिए काम करना शुरू किया और एक पत्रिका निकाल देते हैं हरिजन, यही नाम हो जाएगा उनकी मीन पत्रिका का हरिजन। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह होता है, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ओरिजिनली इट वॉज रिटन इन गुजराती, ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश बाई हिज सेक्रेटरी महादेव देसाई। ये किताब तो लिखी गई थी गुजराती में, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इसका इंग्लिश अनुवाद करते हैं इनके सेक्रेटरी महादेव देसाई। गांधी जी कई सारे मूवमेंट वगैरह वो सब तो आपको पता ही है। गांधी जी डाइड इन बिरला हाउस, दिल्ली के बिरला हाउस में इनको, ही वॉज किल्ड इन बिरला हाउस, बिरला हाउस में इनकी डेथ हो जाती है। आज इसे गांधी स्मृति कहते हैं, ही वॉज किल्ड इन बिरला हाउस इन दिल्ली। जब फ्रीडम स्ट्रगल ख़त्म हुई और जब सत्ता सौंपने का कार्यक्रम चल रहा था, जब 15-14 अगस्त की रात को इंडिया वॉज यू कैन से जब चेंज ओवर हो रहा था, देन गांधी जी वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चेंज ओवर, ही वॉज इन बंगाल ट्राइंग टू कंट्रोल हिंदू मुस्लिम राइट्स। तो जब ये परिवर्तन हो रहा था, ही वॉज नॉट इन दिल्ली, वो उस पार्लियामेंट्री फंक्शन के पार्ट नहीं थे जब सत्ता का परिवर्तन हो रहा था। तो उनकी बिरला हाउस में डेथ हो जाती है, दिल्ली के नाउ कॉल्ड गांधी स्मृति कहलाता है। दिस वॉज गांधी जी।
जवाहरलाल नेहरू रोट एज यू नो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इंडियन हिस्ट्री की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और वो लिखते हैं ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑल्सो रोट अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम ही है एन ऑटोबायोग्राफी। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में पत्राचार के माध्यम से दिखाया गया है इंदिरा गांधी आस्किंग क्वेश्चंस एंड नेहरू वॉज रिस्पॉन्डिंग टू दोज क्वेश्चंस। क्वेश्चन लेटर करस्पॉन्डेंस के फॉर्म में है। दिस ये हिस्ट्री की किताब है। अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी गई है जब उनको वहाँ जेल में रखा जाता था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ऑटोबायोग्राफी। 1938 में शुरू किया था अखबार नेशनल हेराल्ड। 1938 में अखबार शुरू कर देते हैं नेशनल हेराल्ड। स्टार्टेड दिस नेशनल हेराल्ड। 1954 में उन्होंने पंचशील साइन किया है चाइना के साथ, विथ चाइना। ज़ोउ एन लाई, चाइनीज प्रेसिडेंट ज़ोउ एन लाई के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के फाइव प्रिंसिपल्स, पंचशील एग्रीमेंट चाइना के साथ साइन किया है। और नॉन अलाइंड मूवमेंट गुणनिरपेक्ष आंदोलन में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं लेटर ऑन। तो दिस वॉज अपार्ट फ्रॉम गुड नंबर ऑफ अदर थिंग्स, दिस वॉज जवाहरलाल नेहरू। मार्कर भी ख़त्म हो गए हैं, लॉकडाउन ने सब बंद कर रखा है। सैनिटाइजर की अल्कोहल डाल डाल के ये इंक इनकी चलाई जा रही है, सब सूखे हुए हैं। वल्लभ भाई पटेल 1928 में लीड करते हैं बारदोली सत्याग्रह फॉर रेवेन्यू। गुजरात के बारदोली में किसानों का रेवेन्यू कम कराने के लिए उन्होंने बारदोली सत्याग्रह किया है, बहुत इसी के लिए जाने जाते हैं। यहीं पर बारदोली की महिलाओं ने उनको टाइटल दिया है सरदार का। ही वॉज गिविन द टाइटल ऑफ सरदार बाई द वीमेन ऑफ बारदोली। ही इज बेस्ट नोन फॉर बारदोली सत्याग्रह। स्टेट्स को भारत में मिलाने का काम इनका था। ये होम मिनिस्टर हुआ करते थे इंटरिम गवर्नमेंट में, एंड ही वॉज द वन हु डिड दिस अलॉन्ग विद वीपी मेनन। इनके सेक्रेटरी हैं वीपी मेनन एंड पटेल प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। जितनी भी रियासतें थीं इनको भारत में मिलाने का काम पटेल के पास था। होम मिनिस्टर थे, स्टेट्स डिपार्टमेंट इनके पास था, इनके सेक्रेटरी थे वीपी मेनन। तो फिर जूनागढ़ है, हैदराबाद है, जम्मू एंड कश्मीर है, जितनी रियासतें उससे पहले हैं सबको भारत में शामिल करने का इनका काम, कहीं क्वेश्चन से, कहीं डिप्लोमेसी से, कहीं बातचीत से, ऑल बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कश्मीर एंड हैदराबाद एंड जूनागढ़। फाइनली दे ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। वी पी मेनन ने एक किताब लिखी है द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, किस तरीके से भारतीय राज्यों को, रियासतों को भारत में मिलाया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है कि क्या क्या हुआ था जब ये रियासतें भारत में शामिल करवाई गई थी। वल्लभ भाई पटेल ओबियसली इज ऑल्सो कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनको भारत का आयरन मैन तो कहते ही हैं। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट डिप्टी पीएम। ये भारत के पहले डिप्टी पीएम भी हुआ करते थे। डिप्टी पीएम का पद संविधान में नहीं है,
बट एक अरेंजमेंट है जिसमें डिप्टी पीएम भी हो सकते हैं, तो ही वॉज द फर्स्ट डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया, पहले डिप्टी पीएम भी हुआ करते थे। 1950 में इनकी डेथ हो जाती है। वैसे ये खेड़ा सत्याग्रह में इनका आगमन हुआ था, पहली बार आपको बताया था गांधीजन मूवमेंट था, एंड ही प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदरवाइज ऑल्सो। डॉक्टर बी आर अंबेडकर एक न्यूज़पेपर या जर्नल निकालते थे, मूक नायक, द हीरो ऑफ द साइलेंट, जिनके पास वॉइस नहीं है उनको वॉइस देने वाले मूक नायक एक पत्रिका निकालते हैं। ही ऑल्सो रोट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने किताब लिखी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। पार्टी बनाई है अपनी इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी एंड शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एंड शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ये इनकी पार्टियां हुआ करती थी। बिसाइड्स गुड नंबर ऑफ थिंग्स वॉज डन बाई हिम, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन वाला आपको पता ही है, कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 में इनकी डेथ हो जाती है। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, दिस वॉज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सो ठीक है, वी हैव दीज आर इम्पॉर्टेंट लीडर्स सफिशेंटली वी हैव कवर्ड फॉर योर एग्जाम। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अब हम मेडिवल शुरू कर देंगे, मेडिवल इंडिया, और जल्दी से इसे ख़त्म कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच।